मिस कर दी। बंद करती हूँ स्क्रीन शेयर। अच्छा, दरियाब आपका लिखा हुआ तो आ रहा है, इमेज स्प्राइट वन। हाँ, इसके नीचे मूव करें, नीचे स्क्रॉल करें। हाँ, ये वाला आ रहा है, इमेज स्प्राइट वन मूव टू एक्स और वाई। इसको हाँ यहाँ लग के रख, कनेक्ट कर दें। कनेक्ट नहीं हुआ है सही से। हाँ, अब यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे मैथमेटिकल ऑपरेशन पे जाएं। ओके ताहा, रैंडम रैंडम इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 लिखा हुआ नीचे करें। हाँ, अच्छा, अब आप दोबारा ये वाला लाएं और नीचे वाले पे लगाएं। अच्छा, यहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है दोनों पे, रैंडम इंटीजर वाले ब्लॉक पे जहाँ 1 लिखा हुआ है उसको 0 करें। और अब ये जो 100 लिखा हुआ है ना, ये वाला ब्लॉक निकाल के डिलीट कर दें। 100 वाला ब्लॉक निकाल लें। हाँ, या राइट क्लिक करें, इस पे राइट क्लिक करके भी डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया। अब दोबारा मैथ्स के ब्लॉक में जाएं और माइनस वाला टिक करें, ऑपरेशन जहाँ माइनस का हो रहा है ऊपर करें। पिक करके जहां एम्प्टी स्पेस है वहां पे ड्रैग ड्रॉप कर। डबल क्लिक करें इसी पे। अब कैनवस 1 पे जाएं, कैनवस 1 पे, और यहाँ ढूंढे सबसे नीचे होगा कैनवस 1 हाइट, ये कैनवस 1 विड्थ ढूंढे पहले। हाँ, ये रहा 4 ऊपर टॉप। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, डिलीट करें। ये जैसे कैनवस 1 नीचे करें, कैनवस 1 विड्थ लिखा हुआ है ना, विड्थ ये वाला नहीं, ऊपर, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला। इसी तरह एंड इमेज स्प्राइट 1 का आप विड्थ लाइन, ये रहा ऊपर है, सबसे टॉप पे ही है। अब जरिया यहाँ नहीं लगाना, कैनवस 1 विद माइनस इमेज स्प्राइट 1 विद। हाँ, इसी तरह नीचे हाइट, कैनवस 1 हाइट माइनस इमेज स्प्राइट 1 हाइट करें। प्रोसीजर पे जाके ताला मिलेगा। अगर आपने अपने प्रोसीजर का नाम इमेज स्प्राइट मूव एंड किया है तो आपको प्रोसीजर पे कॉल मूव एंड मिलेगा। आहा, आपके लिए। ये वाला नहीं है जरिया, कैनवस 1 हाइट, जैसे ऊपर विद है ना, कैनवस 1 विड्थ, इसी तरह कैनवस 1 हाइट, नीचे
नीचे गए आप स्क्रॉल आपको मिलेगा या ऊपर होगा, ऊपर होगा ये रहा, ये रहा ऊपर ऊपर इसके ऊपर वाला, इसी तरह इमेज स्प्राइट वन का लाइन भैया। अब आपको समझ तो आ गया होगा ना कि कैसे मैं ब्लॉक्स ला रही हूँ। अब मैंने इतना करवा दिया है, इसके आगे मैंने दो ब्लॉक्स बनाए थे, वो बहुत छोटे हैं। वो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं मेरे वाले, ठीक है। मैं आपका स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ, वो आप मेरे ब्लॉग्स देख लीजिएगा। जी जी खिजर स्क्रीन शेयर कर दो। आपकी आवाज कट रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही सही से। कह रहा हूँ मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। अच्छा कर दें आप, कर दें। ये सही है ना, सही की है। जरिया ये स्क्रीन वन इनिशियलाइज यहाँ से आया था, मैं स्क्रीन वन पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास आ गया था स्क्रीन वन इनिशियलाइज, ठीक है। और ये कॉल मूव एंड मेरा यहाँ से आया था प्रोसीजर पे जाके कॉल मूव एंड। इसी तरह क्लॉक वन टाइमर, क्लॉक वाले पे गई थी मैं और यहाँ से लाई थी। हाँ फिजर सही किया मैंने देखने। अच्छा फिजर आप ना पहले प्रोसीजर पे क्लिक करें। हाँ ताहा हम करते हैं, बस ये छोटा सा मैं करवा दूँ खजर का। और जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना प्रोसीजर खजर, खजर हेलो आवाज आ रही है? हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है। ये प्रोसीजर पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें, प्रोसीजर के अंदर टू प्रोसीजर लिखा हुआ है, दोबारा डबल क्लिक करें, इस ब्लॉग पे डबल क्लिक करें। हाँ और इस पे जहाँ प्रोसीजर लिखा हुआ है ना टू प्रोसीजर टू इसी, हाँ हाँ इस पे क्लिक करें और इसको रीनेम कर दें मूव एंड। अब सही है? हाँ अब सही है। अब ये दो ब्लॉक्स स्क्रीन वन पे क्लिक करें, स्क्रीन वन पे, स्क्रीन वन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ब्लॉक्स के नीचे आपको ब्लॉक्स चाहिए स्क्रीन वन पे, जहाँ कैनवस वन है लिखा हुआ वहीं पे स्क्रीन वन भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर ऊपर जाएं सबसे टॉप पे, ये आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा है वन स्क्रीन वन इनिशियलाइज। आप प्रोसीजर पे जाएं और कॉल मूव एंड वाला ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। हाँ आप क्लॉक वन आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया होगा, नीचे करें ब्लॉक्स में स्क्रॉल डाउन करें, क्लॉक वन, हाँ क्लॉक वन क्लिक करें, हाँ ये लाइन ड्रैग एंड ड्रॉप करें और इस पे भी कॉल मूव एंड लगा दें प्रोसीजर पे जाकर। लगा दिया बस। अब आप अपना मोबाइल कनेक्ट करके देख लें, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चले अब हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई अब आगे क्या काम करना है? आगे काम करना है हमें कि जब हमारा कैनवस पर टच होगा तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है तो कैनवस वन पे जाते हैं और व्हेन कैनवस वन टच 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 ये रहा। टीचर एक्सक्यूज मी टीचर। जी जी टीचर मुझे वो क्लॉक वाला बटन नहीं मिल रहा, आप बता सकती किधर है? आपने क्लॉक अपने डिजाइनर में ऐड करवाया था यहाँ जाके अली? डिजाइनर में तो नहीं मिल रहा टीचर।
सेंसर्स में। अच्छा सेंसर, ओके थैंक यू। इस वो क्लॉक वन जो है मैं कॉलम में नहीं हूँ, एरोमीटर लगा दी, इसको उड़ाओ। हाँ जरियाब, आपको क्लॉक वन जो है डिजाइनर में पहले जाके ऐड करवाना होगा सेंसर्स पे जाके। तो डिजाइनर्स पे जाऊँ? हाँ ऐड करवाएं, उसके बाद ब्लॉक्स में उसे ढूंढिएगा, ठीक है? अभी मैं आगे ब्लॉक करवा रही हूँ। सेंसर्स कहाँ? इधर है, ये रहा मेरी स्क्रीन, देख लिया आप? ये रहा। इसको स्क्रीन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और फिर ब्लॉक्स पे जाकर के इसके ब्लॉक ले आए। अब मैं आगे करवा रही हूँ इससे, प्लीज मुझे आगे करने दें, बाकी बच्चे परेशान हो रहे हैं। अच्छा भाई, अब कैनवस वन जब टच होगा तो यहाँ अब हम वो काम करेंगे इफ एंड एल्स। आप लोग ने बहुत अच्छे से पाइथन में किया है, इफ एंड एल्स का क्या काम होता है आपको पता भी है। तो हम कंट्रोल पे जाएंगे, हमें इफ एंड एल्स के ब्लॉक्स मिलेंगे, बिल्ट इन ब्लॉक्स होते हैं ये। तो हम सेलेक्ट करेंगे इफ देन एंड एल्स। अच्छा, आप लोग जब पाइथन में कोडिंग करते थे तो आप लोग ने एक चीज तो देखी थी कि इफ के अंदर हम एक कैच स्टेटमेंट डालते थे, यानी x शुड बी ग्रेटर देन सम, मतलब फॉर एग्जांपल x शुड बी ग्रेटर देन 10 और x शुड बी लेस देन 10 और x शुड बी इक्वल्स टू दिस, वरना ये ब्लॉक चले। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर else वाला ब्लॉक चलता था, है ना? तो इफ के आगे जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर हमें लगाना है एक टेस्ट स्टेटमेंट, ठीक है? अगर वो टेस्ट ट्रू हुआ तो हमारा देन वाला ब्लॉक चलेगा, अगर वो टेस्ट फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, है ना? आप लोग पाइथन में यही करते थे जब आपको सर्वलेस कोडिंग करवाते थे, तो इफ एंड एल्स आप लोग यही करते थे कि एक टेस्ट स्टेटमेंट होता था, तो उसे टेस्ट होता था कि आपकी एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी है या 10 से कम है, बड़ी होगी तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, नहीं ट्रू होगी तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो बिल्कुल यही काम अभी हम करने जा रहे हैं कि कैनवस वन में अगर मैं टच एनी स्प्राइट करूंगी, यानी कि मेरा स्प्राइट नेम क्या है, एंट, ठीक है? इफ आई टच एनी स्प्राइट और एंट तो क्या होना चाहिए, मेरा हिट काउंटर लेबल की जो वैल्यू थी, जो मैंने यहाँ आप लोग को बनाई थी, जिसकी मैंने वैल्यू आप लोग से सेट करवाई थी, हिट काउंटर लेवल की 0 पे सेट करवाई थी, उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। जितनी बार मैं एंड को हिट करूं प्लस 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए, है ना? इंक्रीमेंट भी आपको सर उनेस ने कोडिंग के दौरान करवाया था कि इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है? और इसी तरह एल्स में क्या आ जाएगा कि मिस काउंट लेवल पे इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। काम करना शुरू करते हैं यहाँ, किस तरह ब्लॉक ऐड होंगे। इफ आई टच एनी स्प्राइट और इफ आई टच एंड तो क्या होगा, मेरे हिट काउंटर लेबल को बदल रही हूँ मैं। हिट लेबल तो मेरा कांस्टेंट होगा, वो एक हेडिंग है, ठीक है? और हिट काउंटर लेबल जो था उसको सेट करूंगी मैं, उस पर मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करूंगी। तो सेट हिट काउंटर लेबल टेक्स्ट टू, अब मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाना है, ठीक है? यानी मेरा जो काउंटर लेबल है वो प्लस 1 से इंक्रीज होता जाए। तो मैं सबसे पहले मैथ्स वाले ब्लॉक्स में जाऊंगी और अपना प्लस वाला ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? अभी आप लोग ये देखें, क्योंकि दूसरा वाला मैं आपसे नहीं बनवाऊंगी, एल्स वाला वो आपको खुद बनाना होगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझ लें जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ। खजर, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, मैं पहले ये ब्लॉक कंप्लीट करवा दूँ फिर मैं आपका सवाल ले। ठीक है,
अच्छा इंक्रीमेंट किस में होनी चाहिए? हिट काउंटर लेबल में, तो मैं हिट काउंटर लेबल का उठाऊंगी ब्लॉक, हिट काउंटर लेबल का टेक्स्ट बदलना चाहिए, तो ये रहा ये वाला ब्लॉक लूंगी। और क्या टेक्स्ट बदलना चाहिए इसमें? प्लस वन इंक्रीज होना चाहिए, तो यहाँ जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ प्लस वन आना चाहिए, और प्लस वन के लिए प्लस वन इज सिंपल कॉन्स्टेंट, तो ये मुझे कहाँ मिलेगा? मैथ के ही ब्लॉक्स में मिलेगा। जो भी मैथमेटिकल वेरिएबल है, सिंपल कोई भी वेरिएबल है, कोई भी ऑपरेशन करना है, मुझे सारे किस्म के ब्लॉक्स मिलेंगे। आपको कोई नंबर ऐड करवाना है तो सारे आपको ब्लॉक्स जो मिलेंगे ना वो मैथ्स के अंडर मिलेंगे, ठीक है। और ये बिल्ट इन ब्लॉक्स होते हैं, ये वो वाले ब्लॉक्स होते हैं जो आप हर ऐप में यूज कर सकते हैं। ये जो बिल्ट इन लिखा हुआ है ये सारे ऐप्स ब्लॉक्स वो होते हैं जो आप हर ऐप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है आप लोग इतना सा कनेक्ट करके पहले देखें कि हिट काउंटर लेवल पे आपका इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा इसका टेक्स्ट तो बदल दूं, जीरो से वन कर दूं, तो ये वही वाली चीज बन गई जो आप लोग पाइथन में कोडिंग करते थे, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन करते थे, है ना। तो मैंने बिल्कुल यही काम किया है, हिट काउंटर लेवल इज इक्वल टू हिट काउंटर लेवल प्लस वन, समझ में आई? बिल्कुल वही कोडिंग है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, बस उसमें हम एक्स वाई करते थे, इसमें हम अपने टेक्स्ट को बदलना, और हमारे टेक्स्ट पे क्या था, नंबर लिखा हुआ था जीरो। तो ये सब तो आप कनेक्ट करें अपना फोन, पहले चेक करें कि आपका इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फिर एल्स वाला आप लोग खुद बनाएंगे ब्लॉग, ये मैं नहीं बताऊंगी। हिंट दे दी थी मैंने आपको यहाँ क्या आएगा, जिस जिसका होता जाए मुझे चैट पे बताता जाए, जिस जिसको प्रॉब्लम आए वो मुझे चैट पे बताता रहे ताकि उसे अनम्यूट कर दें हम लोग। और खिजर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या फिर शेयर स्क्रीन करनी पड़ेगी? वेरी गुड जरिया, आप महत कौन सा डॉट? अच्छा ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी फीचर जो है हिट काउंटर लेबल के मैं बदलना चाह रही हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, हाइट आ रहा है, टेक्स्ट कलर आ रहा है, विजिबल आ रहा है, वेद आ रहा है, मुझे तो टेक्स्ट बदलना है, तो इसलिए मैं टेक्स्ट को, मेरे टेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ था, जीरो लिखवाया था, याद करें मैंने इनिशियली जीरो लिखवाया था। यहाँ डिजाइनर पे जाके आप लोग चेक करिएगा, मैंने यहाँ आप लोग को जीरो लिखवाया था इसके टेक्स्ट पे, तो मुझे इसके टेक्स्ट पे इंक्रीमेंट चाहिए, यानी जीरो से ये वन हो जाना चाहिए, फिर ये टू हो जाना चाहिए। आपको अनम्यूट करना है। अच्छा भाई ये पूछ रहे हैं कि हर जगह पे टेक्स्ट ही होता है, भाई बात सुनो, जब मैंने आप लोगों को पाइथन कराई थी तो मैंने क्या समझाया था कि स्ट्रिंग जो होती है वो हमेशा कॉमा में आती है, तो कॉमा में क्या आता था, टेक्स्ट, और नंबर हम डायरेक्टली प्रिंट करा देते थे। नंबर को अगर हम ऐसे भी लिखते थे ना प्रिंट वन, तो वो प्रिंट वन ही देता था, और प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा वन तो भी वो वन ही देता था। तो नंबर जो होते हैं वो टेक्स्ट भी होते हैं और स्ट्रिंग्स भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि नंबर जो है दोनों जगह काम करते हैं, तो इसलिए हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। ये हो गया माहत का क्वेश्चन। फिर इंक्रीमेंट की बात रही तो इन्होंने, मिस हरीश ने क्या किया हुआ यहाँ पे, टेक्स्ट प्लस वन, इसका मतलब ये है कि एवरी सिंगल क्लिक, जब भी हम एक क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, मतलब इमेज पे क्लिक किया, इमेज मूव हो रही होगी, एक पॉइंट मिलेगा, फिर दोबारा क्लिक किया फिर प्लस वन हो जाएगा, और अगर हम इसको यहाँ पे वैल्यूज की टू कर देते हैं तो एवरी क्लिक टू पॉइंट्स मिलेंगे। भाई इनका क्या क्वेश्चन,
क्या क्वेश्चन है भाई, फिर मैंने गलत समझा शायद। अच्छा इसका स्टेप नंबर टू पूछ रहे थे जो तुमने लिखा है, पुट हिट काउंटर लेबल ब्लॉक एंड आल्सो यूज जीरो ब्लॉक। अच्छा भाई मोहम्मद मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे देखें, ये जब मैंने ये ऐड नहीं किया था आपके पास प्लस में दो खाली ब्लॉक्स आ रहे थे, ठीक है, तो हिट काउंटर लेबल पे मैंने टेक्स्ट ऐड करवाया था। और अभी आपको सर उनेस ने बताया कि जो नंबर होते हैं वो हमने एज अ टेक्स्ट भी होता है और एज अ स्ट्रिंग भी होता है, ये आपको उन्होंने पाइथन में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया था, ठीक है। जब हम उसमें इन्वर्टेड कॉमास में डाल देते तो वो स्ट्रिंग बन जाता था यानी, और अगर हम उसमें इन्वर्टेड कॉमास में नहीं डालते थे तो वो एज अ इंटीजर कंसिडर हो रहा होता। तो मैंने यहाँ से हिट काउंटर लेबल से जाकर के ये वाला ब्लॉक लाई थी और इसको यहाँ ऐड करवा दिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड करवाया था जहाँ पे जीरो लिखा हुआ था, तो मैंने इसको रीनेम करके वन कर दिया था क्योंकि मुझे इंक्रीमेंट प्लस वन से करवाना है, प्लस जीरो से मुझे कोई फायदा ही नहीं होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मुझे तो इंक्रीमेंट प्लस वन से करवाना है ना कि मैं जितनी बार हिट करूं तो वो जीरो से वन पे। जी सरी आप मेरा सारा ही कर चुका हूँ, बस आखिर में एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? मिस आपने है ना सेट हिट काउंटर लेबल टेक्स्ट टू उसके बाद मैथ्स वाला ऑपरेशन जो आप डालते हैं वो भी मैं डाल चुका हूँ, बस उसके बाद उसके अंदर जो चीज डलती है वो नहीं डल पा रही। हिट काउंटर लेबल वाली? यस। आप इधर हिट काउंटर लेबल पे जाएं, उसके ब्लॉक्स होंगे बहुत सारे, आपको इससे मिलता जुलता ही, इससे मिलता जुलता ब्लॉक मिलेगा, वो ले लें। आई थिंक मिल गया, सही है, एल्स करा दें आप। अच्छा मोहम्मद आप माहद पूछ रहा है, माहद मैंने अभी आपको बताया कि हिट काउंटर, आप ये डॉट पूछ रहे हैं ना, ये छोटा सा डॉट क्यों आ रहा है, हिट काउंटर लेबल डॉट टेक्स्ट, हिट काउंटर लेबल डॉट टेक्स्ट, तो मैं ये बता रही थी कि हिट काउंटर लेबल के डॉट के बाद जो चीजें होती है ना वो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए है डॉट, ठीक है, डॉट के बाद ये बात डिफ्रेंशिएट करता है कि मुझे अपना टेक्स्ट बदलना है, हाइट बदलनी है, फॉन्ट साइज बदलना है, कलर बदलना है। देखिए हिट काउंटर लेबल के इतने सारे फीचर्स हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी है, फॉन्ट साइज भी है, हाइट भी है, तो हमें ये बात डिफाइन करनी पड़ती है कि ये इसका टेक्स्ट बदलना है या हाइट बदलनी है या विजिबिलिटी बदलनी है या विड्थ की परसेंटेज बदलनी है, क्या चीज बदलनी है। तो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो डॉट के बाद वो वाले फीचर्स आते हैं जो कि मैं हिट काउंटर लेबल की बदल सकती हूँ, यानी हिट काउंटर लेबल की समझे जो जो फीचर्स मौजूद है, ठीक है। अच्छा भाई आई होप आप लोग ने एल्स वाला भी सबने कर लिया है ना, मैंने आप लोग को ये टास्क दिया था एल्स वाला, चले वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो कहा आप खुद भी बना सकते हैं एल्स में, आपको अब तो हिंट मिल गई होगी। अब जिसने नहीं किया मैं करवा रही हूँ, देख लें आपको, तो मैंने आप लोग को टाइम दे दिया था 10 मिनट्स का और अब 10 मिनट्स से ऊपर हो गए, 15 मिनट्स हो गए, तो अब मैं खुद बनवा देती हूँ। भाई जिस तरह मैंने आपको हिट काउंटर लेबल बनवाया था तो एल्स में क्या होना चाहिए, मिस काउंटर लेबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर मेरा टच प्राइड टच नहीं हुआ तो फिर मेरा मिस काउंटर लेबल में इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो मैं कर देती हूँ मिस काउंटर लेबल, सेट मिस काउंटर लेबल, काउंटर लेबल के टेक्स्ट में इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो प्लस वाला ब्लॉक उठाएंगे, फिर दोबारा हम मिस काउंटर लेबल में जाएंगे और मिस काउंटर लेबल का टेक्स्ट में इंक्रीमेंट करेंगे। कितना सा ब्लॉक बनाना था आप लोगों का? वेरी गुड अली, आपका भी हो गया था। अच्छा क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं,
कोई बात नहीं ताहा। हाँ बस अब मैं आप लोग को यही टास्क देने वाली थी कि रीसेट बटन आप लोग खुद बनाएं। इट्स वेरी इजी। रीसेट बटन का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, आप लोग ब्लॉग्स बनाएं। ठीक है भाई, रीसेट बटन में क्या कॉन्सेप्ट होगा कि रीसेट से आप लोग को पता है कि फॉर एग्जांपल मेरी इंक्रीमेंट अभी आप लोग ने हिट किया होगा अपने स्क्रीन पे कनेक्ट करने पे, मोबाइल कनेक्ट करने पे, तो किसी का 20-30 हिट्स हो गया होगा, इसी तरह मैसेज भी बहुत सारे होंगे। लेकिन जब आप रीसेट बटन दबाते हैं तो क्या होना चाहिए कि आपकी हिट की वैल्यू वापस जीरो पे आ जानी चाहिए और इसी तरह मिस काउंटर लेवल की वैल्यू भी जीरो पे आ जानी चाहिए। तो रीसेट बटन से क्या होता है, हर चीज वापस जीरो पे आ जाती है। मोहम्मद इसके लिए आपको अच्छा मोहम्मद ये डाई तो हो नहीं सकता, लेकिन इसकी जगह मैं आपको एक आइडिया देती हूँ और आप इसका ब्लॉक खुद सोचें कि क्या हो सकता है। कि जब आप 10 times हिट कर लेना कॉकरोच को तो उसके बाद ना आपको आवाज आनी चाहिए कि यू वॉन, ठीक है। या फिर अगर आपका मिस काउंटर लेवल जो है वो 10 तक पहुंच जाए तो यू शुड हेयर अ वॉइस कि गेम ओवर, क्योंकि आपने 10 times मिस कर दिया। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, आइडिया दे रही हूं मैं और आप लोग बोलेंगे तो मैं ये बनवा भी दूंगी या फिर ये आपका होमवर्क भी हो सकता है, बनवा दूंगी मैं आप लोगों से। ताहा मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इससे मैंने डायरेक्ट डुप्लीकेट नहीं किया था। मतलब कुछ स्टूडेंट्स को मसला होता है कि मैं ये कहाँ से लाई थी, तो इसलिए मैं हर बार जो हूँ रिपीट करवा देती हूँ ताकि मुश्किल नहीं हो आप लोगों को। जिनको डुप्लीकेट कर लेते हैं दैट्स वेरी वेरी गुड कि आप बहुत जल्दी कैचअप कर रहे हैं मुझसे। और जी जी अल्लाह जाने पता नहीं क्या हुआ, मैंने बस उसमें एक चीज मैंने गलत डाल दी थी, मैंने उसको जो ट्रैश बिन है उसमें डालने की कोशिश करी, लिखा है डिलीट ऑल 3 blocks करके कुछ आ गया, इस पे मैंने कैंसिल दबाया लेकिन फिर भी वो सारा डिलीट हो गया। अब कुछ ही चीजें बची हैं, सारी स्क्रैम्बल्ड हो गई। मतलब अब वेट करो, अब क्लास के बाद लेक्चर देखना सुकून से बैठ के और दोबारा से बनाना, सारा स्क्रैम्बल्ड हुआ है। अब दोबारा से बनाना, वेट करो क्लास के बाद जब लेक्चर। मोहम्मद ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, ये मैं आपको एज अ होमवर्क देती हूँ कि आप जो हैं क्लास के मतलब एज अ होमवर्क आप ये काम कर लें कि 10 times आप हिट कर लें तो उसके बाद जो है इमेज बदल जाए और आप कोई डाई की इमेज से कुछ कर लें। एक मिनट जरिए आप, मैं पहले इस बाकी सबके भी आंसर कर दूं फिर आपको भी देखती हूँ। महा आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सॉरी मैंने आपका भी देखा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ आपका क्या हो रहा है? आता आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, हाँ हाँ आप भी कर लें, मैं दोनों की देख लूंगी। मैं अपनी बंद कर लेती हूँ। अच्छा भाई आप लोग बाकी सब जिन जिन का हो गया है तो आप लोग फारिग नहीं बैठे, आप लोग को मैं एक और टास्क दे देती हूँ। आप लोग क्या काम करें, डिजाइनर पे जाके साउंड एड करवाएं यहाँ पे, ठीक है। टास्क दे रही हूँ, कोई फसला नहीं है, आप लोग ट्राई करेंगे मैं आप लोग को दोबारा करवा दूंगी जिससे नहीं हुआ, ठीक है। ट्राई करने में तो कोई परेशानी नहीं है ना, तो आप लोग ट्राई करिएगा, यहाँ जाके साउंड ऐड कराइएगा स्क्रीन पे और जब साउंड ऐड हो जाए तो मुझे क्या काम करवाना है, मैं ये टास्क दे रही हूँ,
कि जब भी मैं हिट काउंटर लेवल करूं तो वाइब्रेशन होनी चाहिए, ठीक है, जब भी मैं एंड को हिट करूं तो वाइब्रेट होना चाहिए. यू हैव 10-15 मिनट्स फॉर दिस. मैं जब तक माहा और ताहा की स्क्रीन देख रही हूँ और जरियाब का भी मसला हल कर रही हूँ. टास्क मैंने बता दिया है उनैस सर, उनैस आप दोबारा इस पे चैट पे लिख दें ताकि जिसने मिस कर दिया है वो वहां से पढ़ ले. ये मैं किसकी स्क्रीन देख रही हूँ, ये ताहा की स्क्रीन है. ताहा आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है? मिस ये जो सब है ना, यहाँ पे जो ब्लॉक्स आते थे ना, ताहा आप ये रीलोड करें पेज, इसलिए हो रहा है, रीलोड कर ले. नहीं, व्हेन यू हिट एनी टाइम, टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है, बस आप जितनी बार हिट करें ना एंड को तो फिर वाइब्रेशन होनी चाहिए. फिर इसके बाद मैं आपको एक और चीज ऐड करवाऊंगी. ठीक है, मैं सॉरी. सही है, ये है महा की स्क्रीन. महा, क्या आपके साथ क्या हुआ है? महा आप अपना माइक ऑन कर दें ताकि. हाँ जरियाब, आप भी करते हैं, मैं आपका भी देखूंगी, पहले मैं माहा का देख लू. माहा आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दें. आपने यहाँ पे इफ पे टेस्ट स्टेटमेंट नहीं डाला हुआ. टच टच यानी स्प्राइट नहीं डाला हुआ. हाँ इट्स ओके मोहम्मद. नाइस के बजाय आप कुछ ऐसा डाल दें कि 10 टाइम्स अगर आपने मिस कर दिया तो गेम ओवर बोलना चाहिए. सो आई डोंट पुट दिस. माहा आप इफ के साथ, हाँ पहले ये हिट लेवल डाल दें अपनी अपनी जगह पे. कहाँ से लेके आओ? ये नहीं जाएगा पहले इफ की कंडीशन लगवाओ. क्या हुआ? ये एक तो हिट काउंटर वाला, ये वाला नहीं करना था, दूसरा है डॉट टेक्स्ट वाला. हाँ हाँ अच्छा माँ, आप सबसे पहले ये डिलीट करें, दोनों डिलीट करें लेबल को. ये वाले जी नहीं, दोनों मिस काउंटर लेबल वाले, हिट काउंटर लेबल और मिस काउंटर लेबल दोनों को डिलीट करें. नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक था. ये सही है, ये सही है. अच्छा कोई बात नहीं, ले आइएगा इनको, रिमूव कर दें. ये जो निकले हुए ब्लॉक्स है ना, ये इनको डिलीट करें. हाँ अब आप एक काम करें, मैं खाली आपको हिट का बता रही हूँ, मिस का आप दोबारा खुद बना लेंगी. ठीक है, आप हिट काउंटर लेबल पे जाएं, आपको हिट काउंटर लेबल डॉट टेक्स्ट ढूंढना है. क्योंकि आप क्या कर रही हैं, आप हिट काउंटर लेबल के टेक्स्ट को चेंज कर रही हैं, जीरो से इंक्रीमेंट कर रही हैं. ठीक है, What you're doing? और आपने यहाँ पे टेस्ट स्टेटमेंट भी नहीं डाला है, तो आप टेस्ट स्टेटमेंट भी डाल दीजिएगा. टच एनी स्प्राइट पे होवर करें अपने कर्सर, माउस कर्सर को. क्या? एक मिनट, यहाँ पे. हाँ हाँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे होवर करें अपना माउस के कर्सर को. हाँ अब एल्स वाला ब्लॉक आप खुद बना लें. ओके थैंक यू. अच्छा आप जरिया, आपकी स्क्रीन जरिया, आप आपने शेयर स्क्रीन ही नहीं किया हुआ. बस मैंने कर दी स्क्रीन शेयर. हाँ ताहा, रीसेट बटन मैंने आपको दिया हुआ था बनाने के लिए, सबने मुझे कहा कि बना लिया है. yes. मैंने आपको एक और टास्क भी दे दिया था. yes. सबको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है आपकी आवाज. आ रही है आप? yes.
फेयर सीन कर दी। अच्छा आपने क्या किया है टू मूव सारे सीरियस क्रैम्पर चली गए, अभी मैंने उसको साथ लाने की कोशिश करी तो कुछ गलत है कुछ सही है। अच्छा भाई ये जरिया आप ऊपर करें। खिजर मैं बता रही हूँ, मैं अभी बनाऊंगी ना अपना, तो आप मुझे देखिएगा ठीक है। बस क्या करूँ उसको, सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन को मैक्सिमाइज करें, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। मैक्सिमाइज कैसे करूँ, मैं बता रही हूँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपका जहाँ क्लोज बटन होता है क्रॉस बना हुआ होगा टॉप पे, देखें राइट पे, ये चीज, ये चीज, ये चीज क्लिक करें जहाँ मैं सर्कल बना रही हूँ, ये हाँ बस, इसको कहते हैं मैक्सिमाइज, नेक्स्ट टाइम समझ जाइएगा। अच्छा अब क्या काम करें, ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक इसको ड्रैग करें और यहाँ ड्रॉप कर दें। अरे यार अपने तो सभी हटा दिया। अच्छा उसके बाद सब क्या, अब ये रैंडम इंटीजर लगाएं, ये वाला ये वाई पे लगाएं, ये वाला वाई पे लगाएं, आपने ऊपर नीचे कर दिया, हाँ सही है। बिल्कुल सही है आई गेस। अच्छा ये वाला ब्लॉक, सबसे पहले तो ये ब्लॉक हटाएं, ये रैंडम इंटीजर नीचे जो है, ये नीचे जो फालतू रखा हुआ है ये डिलीट करें, बस ये आ जाता है और सब कुछ हट जाता है फिर। हाँ सब डिलीट कर दें, कैंसिल ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, आप यहाँ पे जाएं, ये वाला ब्लॉक जो रखा हुआ है ऊपर करें, ऊपर 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 ऊपर, हाँ ये वाला जो ब्लॉक खाली जो पड़ा हुआ है ना ऊपर, यस हाँ इसको ड्रैग करें पूरा पूरा ब्लॉक, हाँ और नीचे जहाँ आपने ग्रीन कलर का ब्लॉक बनाया हुआ है ना सेट, हाँ हिट काउंटर लेबल टेक्स्ट टू, यहाँ लगा दें बस। मिस ये सब कुछ बाकी सब सही है, बाकी सब वैसे ही है, इनको कुछ नहीं करना प्लीज, आप बाकी वो ब्लॉक्स को मत छेड़ा करें। अब यहाँ से मैच पे जाएं, मैच पे जाकर के जीरो लगाएं, मैच पे ओके मिस, अब क्या करूं, ऊपर 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 सबसे टॉप पे है ये लिखा हुआ ना ये छोटा सा ब्लॉक, इसको डबल क्लिक करके वन कर दें। इसी तरह नीचे वाला भी ब्लॉक बनाइएगा लेकिन मिस काउंटर लेबल के लिए बनाइएगा ठीक है। अच्छा अनम्यूट करना है भाई, बारी बारी सबको अनम्यूट करते जाओ। मिस काउंटर लेबल कौन सा, किस में टीचर, यार इसको मिस काउंटर लेबल भी बनवा दो भी आपके आगे, किस में टीचर मिस, हाँ यहाँ पे जाए जी जी अली, क्या बोल रहे हैं आप, आप मुझे बताएं आपने लास्ट ब्लॉक क्या बनाया हुआ है, कौन सा ब्लॉक बनाया लास्ट, काउंटर लेबल मिस काउंटर लेबल एल्स वाला बनाया है। उसके बाद मैंने आप लोग को टास्क दिया था बनाने का कि रीसेट बटन बनाए, और रीसेट बटन का कॉन्सेप्ट बताया था कि रीसेट बटन में क्या, वॉइस बहुत लैग कर रही है, मेरी वॉइस लैग कर रही है उनेस, नहीं नहीं सही है वॉइस,
अली मेरे ख्याल से आपका इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, इसको इससे आपको सही से आवाज इंटरनेट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा अली तो फिर आप मैसेज पढ़ो। अच्छा तो फिर अली अगर आपसे कुछ मिस हो गया है ना तो आप फिर दोबारा मैं वीडियो भेजूंगी, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। वीडियो में मैं शुरू का रह गया था मेरा बताने का, लेकिन बाकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप देख लीजिएगा उससे, ठीक है, जो मिस हो जाए। वरना सर उनैस ने जो है इधर ही मेरे ख्याल से प्रोसीजर्स लिख दिए। दरियाब का जल्दी कराओ यार। जरियाब यहाँ पे बिल्कुल वही काम करे, सेट में काउंटर लेबल टेक्स टू टेक, नहीं सेट वाला उठाना था, डार्क ग्रीन वाला। ऊपर से डुप्लीकेट बना लो जरियाब, एक मिनट ऊपर वाले ब्लॉक पे क्लिक करो। एक तो पहले इसको डिलीट करवा दो, ये डिलीट करें पहले। अब ये ग्रीन ब्लॉक है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ये वाला सेट वाला, सेट हेड काउंटर वाला। हाँ राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करें डबल क्लिक नहीं, राइट क्लिक एक बार जरिया, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक बस, राइट क्लिक इसको समझ नहीं आएगा। राइट कौन सा होता है? माउस का सेकंड पहला वाला बटन जो होता है, राइट वाला माउस का। टीचर मेरी स्क्रीन वाइब्रेट नहीं हो रही है, छोड़ो इसको मैं। हाँ ये आ गया डुप्लीकेट, ये लगाओ नीचे। अच्छा आप एक और काम करें, हेड काउंटर लेबल जहाँ लिखा हुआ है ना, ये जो अभी आपने ऐड करवाया है, ये तो डिलीट करें, ये वाला डिलीट कर दें। ये जो हेड काउंटर लेबल है इस पे क्लिक करें, हाँ, और इधर काउंटर लेबल पे क्लिक करें, काउंटर लेबल सेकंड नंबर पे, हाँ, और इसी तरह इधर भी करें हिट काउंटर लेबल, हाँ, बस ये बन गया आपका। स्टॉप शेयर कर दो। अच्छा भाई अब मैं बना रही हूँ अपना, हाँ मैं खिजर मैं बता रही हूँ, हो सकता है आपने ब्लॉक नहीं बनाए होंगे, मैं बनवा देती हूँ आप लोगों से। मैंने आप लोग से साउंड को डलवाया था और मैंने कहा था कि मुझे वाइब्रेशन चाहिए है जितनी बार भी आप हिट करें, ठीक है। मैं साउंड पे जाती हूँ, यहाँ मैं वाइब्रेशन वाला ढूंढती हूँ, ये मुझे मिल गया। अच्छा अब यहाँ मैंने इफ और एल्स का बनवाया था और मैंने कहा था कि जितनी बार मेरी एंड हिट होगी, अगर मेरी हैंड हिट हुई तो मेरा सेट हिट काउंटर लेबल प्लस वन से इंक्रीज होना चाहिए और वाइब्रेशन भी होनी चाहिए, तो मैं उसी के नीचे अटैच कर दूंगी इस तरह करके ब्लॉक। और यहाँ मिली सेकेंड्स की जगह मुझे यहाँ पे मैथ पे जाकर के कोई भी नंबर स्पेसिफाई करना होगा कि कितनी मिली सेकेंड्स तक ये वाइब्रेट होना चाहिए, 1000 मिली सेकेंड्स तक, 500 मिली सेकेंड्स तक, कितने मिली सेकेंड्स तक ये वाइब्रेट होना चाहिए। तो मैं इसको 500 कर देती हूँ, 500 मिली सेकेंड। अब आप लोग लगा के देखें, जिनका वाइब्रेट वाला ब्लॉक नहीं लग रहा था तो वो आप ये करके देखें और मुझे बताएं कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी जिन जिन का हो गया मैंने एक और टास्क दिया हुआ था कि 10 मिसेस पे गेम ओवर का वॉइस आनी चाहिए। वाइब्रेट का ब्लॉक कहाँ से उठाया था? यहाँ से साउंड वन क्लिक किया, ये रहा ब्लॉक। अगर खिजर आपने साउंड वन आपका यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने साउंड वन को अपने डिजाइनर में ऐड नहीं करवाया है, तो डिजाइनर पे जाके पहले ऐड करवा दीजिए। और मैंने रीसेट बटन नहीं बनवाया था, रीसेट बटन भी बना देती हूँ कि जब रीसेट बटन क्लिक करूं तो क्या ऑपरेशन होना चाहिए।
मेरा हिट काउंटर लेवल डिलीट करके मिस काउंटर लेवल टेक्स्ट। अच्छा क्या होना चाहिए, दोनों जीरो पे सेट हो जाने चाहिए ना, सिंपल सा ब्लॉक था ये। देखिए आप लोग के रीसेट बटन वर्क कर रहे हैं, वाइब्रेशन वर्क कर रही है, और मैंने एक एक्स्ट्रा टास्क भी दिया हुआ है जिन जिन से ये भी हो गया था। तो ओके ओके आई एम स्क्रॉलिंग महा, आई एम सॉरी। मेरी चैट क्यों नहीं खुल रही, मुझे इन्फॉर्म करते जाइएगा भाई आप लोग का होता जाए तो। वाइब्रेट नहीं हो रहा है भाई, वाइब्रेशन महत वाइब्रेशन, मोबाइल जब वाइब्रेट होता है तो बुड़बुड़ आवाज नहीं आती, वो वाइब्रेशन की बात हो रही है। तो वो हल्का सा वाइब्रेट होगा 500 मिली सेकंड के लिए, बहुत माइनर सा। अगर आपको ज्यादा देर तक देखना है तो आप 3000 मिली सेकंड कर ले, 2000 मिली सेकंड कर ले। इसको ज्यादा वाइब्रेशन करनी है ना 2000 कर ले भाई। दरियाब का लो एक सेकंड, दरियाब का क्वेश्चन लो भाई। हेलो जी सर, मेरा मोबाइल वाइब्रेट होगा महत। सर मसला ये आ रहा है कि मुझे वो रीसेट बटन वाला नहीं मिल रहा, वो रीसेट बटन आपने लगाया ही नहीं होगा, बटन ही नहीं लगाया होगा। देखो दरिया कुछ काम खुद से भी करने होते हैं, हर चीज आपका हाथ पकड़ के थोड़ी कराएंगे मैं सर। देखो उन्होंने इतना सारा काम करवा दिया, इतने दिन से आप सीख रहे हो तो आप वो कुछ कुछ आपको देंगे भी ना। सर मैंने आपके सामने कल रीसेट बटन लगाया था, वो तो आपके डिजाइनर पे मौजूद होगा ना। इधर देखें जैसे मेरा रीसेट बटन आ रहा है, अभी डिजाइनर पे लगाया हूं, वो मैं आज मैंने खोला ना वो, तो ये आज मसला आ रहा है रीसेट का बटन हट गया। अच्छा तो फिर से अब बटन लगाना पड़ेगा, दोबारा नया बटन बनाओ, उसका नाम रीसेट रखो, फिर वहाँ पे बैंड डू में आओ और ये करो सेट हिट काउंटर। तो बटन लगाओ या तो लेबल लगाओ, पहले बटन लगाओ, बटन वहाँ पे अच्छा जिसका नहीं हो रहा वो रीकनेक्ट करके देखे, क्योंकि ये मेरे पास तो चल रहा है, बाकियों के पास भी चलना चाहिए। नहीं ये चलेगा, सबके पास चलेगा भाई, ये तो बेसिक सी कमांड है वाइब्रेशन की, आप सबके पास चलेगी। आप टाइम ड्यूरेशन कम ज्यादा करके देखना, सही है, वाइब्रेशन वाली कमांड तो चलती है हर मोबाइल, वो शायद मोबाइल की सपोर्ट। और अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग रीकनेक्ट कर लें, या कोई इंटरनेट प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आपके कोड अपडेट नहीं हुआ होगा, तो दोबारा रीकनेक्ट करके देख लें अपने अपने फोन जी। यही है कि आप when it reaches that the number you lose or either win। हाँ ये win और lose का जो है आपको होमवर्क देंगे कि अगर आप जीतते हो ना आप इस पे, बल्कि होमवर्क नहीं देते हैं ये आपको, परसों कंटिन्यू करवा देंगे मिस हरीश ने, एक चीज करवा देंगे कि आपकी वो हिट काउंटर और मिस काउंटर पे कोई फिक्स वैल्यू रख देंगे जिसपे आपकी विनिंग और लूजिंग हो जाए, सही है। आज आपका काम मैं बताता हूँ, आज आपका काम क्या, डिजाइनर ब्लॉक खोलना है रीच डिजाइनर। देखो भाई ये पिक्चर मूव हो रही होगी, सही है आप लोगों की। अब
वैसे तो थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपको करना है क्या है, वापसी वो ब्लॉक प्रोग्रामिंग खोलो, हाँ वो आप कॉइंस चेंज, कॉइंस पे चेंज करना है, ये तो अलग ही काम है ना, ये तो देखना पड़ेगा फिर। अच्छा आपको करना ये है कि भाई ये जो आपकी पिक्चर जो मूव हो रही है ना, इसमें कुछ ऐसा करना है आप ये जो इमेज की स्पीड है ना इसको कंट्रोल कर सकें, समझ आ रही है बात, मतलब पिक्चर को बहुत तेज कर सके, पिक्चर को बहुत स्लो कर सके। इससे ये फायदा होगा कि फिर आप बाद में इस गेम को तीन डिफरेंट लेवल पे कर सकते हैं, बिगनर, हार्ड और वेरी हार्ड। तो बिगनर पे क्या होगा, एक मखसूस स्पीड पे चल रहा होगा ये, सपोज करें 10 ms पे घूम रही है पिक्चर, और हार्ड पे क्या होगा यही 50 ms हो जाएगी, और वेरी हार्ड पे 100 ms पे पिक्चर घूम रही होगी उसकी स्पीड पे, तो उस वक्त क्लिक करना बहुत कैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपका टास्क है कि आपको इसकी इसी कोड पे कोई एक ब्लॉक आपको देखना पड़ेगा, नेट पे भी ढूंढे और खुद भी सर्च करें, इन्हीं ब्लॉक में कहीं स्पीड का ब्लॉक होगा, स्पीड कंट्रोल करवानी है आपको इमेज की, वो होगी बताया है मैंने आप लोगों को, मैं बता चुकी हूँ। अच्छा अच्छा तो इसीलिए अगर मिस किया है, अगर किसी ने मिस किया है तो फिर ये आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वरना मैंने बता दिया था, जिसने सुन लिया होगा वो कर लेगा बहुत आराम से। अच्छा ताहा मैं आपको कह रही हूँ कि आपने कुछ मिस किया है तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये आपको मिल जाएगी, ओके परेशान नहीं हुए, आपको कुछ भी मिस हुआ है मैं वीडियो आपको यूट्यूब पे डाल के दे दूंगी, और बाकी आपको कुछ इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, डू इट। मैं तो आपको रोकूंगी नहीं। इधर का वो लो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आओ भी फिजर। चले मोहम्मद, आई विल बी वेटिंग फॉर योर मनी कैचर। हम लोग नॉर्मल और हार्ड कैसे बनाते, मैंने आपको सुन लिया था आराम से, तुमको पता है, मैं बताऊंगा नहीं अभी। हाँ बस समझ गए ना, अब बस मेरी स्क्रीन पे आओ जरा, मैं कुछ करवा रहा हूँ, मैं जो है एक नई ऐप बनवाऊंगा तो। अच्छा भाई बिल्कुल डिफरेंट होगी अपने, मेरी तरफ से आज ऑफ हो गई है, एक मिनट में मेरी क्लास यहाँ तक ऑफ हो गई है, ठीक है, और अभी सर उन्हें आपको एक नई ऐप बनवाएंगे। आप लोग का आज का टास्क ये है कि आप लोगों को एक तो जब 10 मिसेज हो तो गेम ओवर की वॉइस आनी चाहिए, ओके, एंड आई वॉन्ट अ वीडियो, आप लोग मुझे वीडियो बना करके देंगे, सब होमवर्क में मुझे वीडियो बना करके देंगे इस टास्क के साथ, मुझे वॉइस आनी चाहिए, दैट गेम ओवर की वॉइस आनी चाहिए उस बात, बाकी आपको जो एडिशन करना है मैं आपको रोकूंगी नहीं, आपका टास्क इतना है बस, ठीक है। और हिट्स पे आप कुछ ऐसा कर लें कि वाइब्रेशन आपने लगा दिया है उसकी जगह आप कोई वॉइस डाल देंगे, यू हैव हिट 10 times, यू हैव हिट 20 times, हर 10 hits के बाद, हर 20 hits के बाद कुछ ऐसा काम कर लें, ठीक है। तो इतना सा आपका टास्क है, मुझे वीडियो बना करके, एक अच्छी सी वीडियो बना करके स्क्रीन की, और वो मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी, नहीं बने कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे बनवा दूंगी, ठीक है। चले मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, थैंक यू। जी भाई अब मैं गेम्स वगैरह तो नहीं बनवाता इतने, खैर शायद बनवाऊं, मेरी सारी ऐप टेक्निकल ही होंगी, जो मेरे हिस्से में जितनी भी ऐप्स हैं ना वो सारी टेक्निकल ऐप्स होंगी, गेम्स वगैरह रीजी बनवाएंगे आप लोगों से। तो अभी जो हमारा बेसिकली काम है वो मैं समझाता हूँ, सबसे पहले तो ये आपका होमवर्क है क्या, आपको एक वॉइस फॉर गेम ओवर, आप अब कोई वॉइस ऐड करनी है फॉर गेम, गेम ओवर के अंदर, गेम ओवर के अंदर आपको जब गेम ओवर हो आपका आफ्टर 10 ms, जब आप 10 ms कर दो तो कोई ना कोई वॉइस आपकी होनी चाहिए कि भाई गेम आपका कंप्लीट हो गया है ये वो। इसके अलावा आपका होना चाहिए, एक मिनट अभी मैं चैट बंद करूं। अच्छा फिर स्पीड कंट्रोल,
टू मेक डिफिकल्ट लेवल, फिर आपको स्पीड कंट्रोल की कमांड आनी चाहिए कि आप डिफिकल्ट लेवल उसके बना सकें। अच्छा बेसिकली आज की जो मेरी क्लास है वो बेस है ये कह लेंगे एक सेकंड। अच्छा आज की जो मेरी क्लास है वो बेसिकली होगी 2 पर्सन वेटिंग रूम में। एक मिनट ये दोनों आ जाए जरा, फिर मैं जरा स्टार्ट कराऊँ। और मेरे ख्याल से आज मैं 10 मिनट एक्सीड करूंगा 11:30 के बाद, क्योंकि कल तो वैसे भी आप लोगों का ऑफ है, तो आज थोड़ा सा टाइम दे दो। तो देखो भाई हमारे जो आज है, आज हम हमने अभी तक जितनी भी एप्लीकेशन की है सिंगल पेज एप्लीकेशन की है। सिंगल पेज का मतलब ये होता है कि ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट कोई खुला हुआ है। सिंगल पेज का मतलब होता है ये एक ही स्क्रीन होती है और इसी पे ही हम सारा काम कर रहे होते हैं। आज हमारा जो काम है, आज हम करने जा रहे हैं मल्टीपल पेज एप्लीकेशन, मतलब हम एक पेज ऐड करेंगे इसके अंदर। तो जब मैं ये चीज आपको सिखा दूंगा तो जो आपने प्रीवियस ऐप बनाई हुई जैसे कि गेम्स है आपके, बर्थडे ऐप है, तो उसमें आप शुरू में एक और पेज ऐड कर सकते थे कि प्रेस हेयर टू स्टार्ट द स्क्रीन। जब आपने स्टार्ट द स्क्रीन पे प्रेस किया तो वो बर्थडे ऐप खुल गई, सेकेंड स्क्रीन खुल गई, फिर उसी तरह थर्ड स्क्रीन, फिर बैक टू द स्क्रीन। तो आज हम करने जा रहे हैं मल्टीपल पेज एप्लीकेशन। तो इन मल्टीपल पेज एप्लीकेशन देयर इज मोर देन वन स्क्रीन विल यूज। जी दा सर, ये जो डिफिकल्ट लेवल के लिए आप तो इमेज को भी छोटा कर सकते हैं, तो जो लेवल है वो अगर हाँ वो देखें, ये आपकी इनोवेशन के ऊपर है। अभी आप सबको नहीं बताओ ना ये, फिर तो मतलब वो तो फिर चेक करने में मजा आएगा ना जो अपना यूनिक आइडिया अपनी ऐप में डाले, समझ आई? ये बात अपने तक रखो, जो सोच रहे हो ना मुझे प्राइवेट में बता दिया करो तो वो ज्यादा बेहतर है। मतलब मुझे मैसेज कर दिया उस पे क्लास के बाद, तो मैं फिर ज्यादा उसको फिर बताऊंगा तुम्हें। असल में सबके आइडियाज देखने में बड़ा मजा आ रहा है आजकल ना, सब कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं। जैसे कि माद ने फॉन्ट वाला मैं बताऊंगा, अभी तो टाइम वैसे कम है, अभी आप इस पे ध्यान दो जो मैं समझा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ना अभी की। खैर गेम्स वगैरह में बहुत टाइम लगता है, टेक्निकल ऐप में कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं और जो वाइडली यूज ऐप है ना वो ये टेक्निकल ऐप्स होती हैं। गेम्स भी होते हैं, गेम्स इसलिए फायदेमंद है क्योंकि गेम्स वाइडली यूज तो नहीं लेकिन वाइडली डाउनलोडेड चीज है कि बंदा डाउनलोड जरूर करने के लिए, तो गेम्स में ये बात होती है। लेकिन ऐप जो होती है वो आप हर वक्त ही यूज करते हो, बोर नहीं होते थे कि फेसबुक हो गई, गूगल हो गया, ये वो चीजें जो आप कभी यूज करना नहीं छोड़ोगे। गेम्स ये होते हैं कि बोर हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। तो मल्टीपल पेज एप्लीकेशन के बारे में यही है कि भाई एक से ज्यादा पेज होंगे आपकी एप्लीकेशन, और फिर मैं जो आज बनवाने वाला हूँ आपसे पर्सनल सर्च ब्राउजर, सही है, ये हमारा काम होगा आज का पर्सनल सर्च ब्राउजर। अच्छा यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं वेब, वेब रख देते हैं, आप लोग कुछ भी रख देना रखा है, वेब आप वेब ब्राउजर रख देना। मैं आता हूँ। अच्छा मैंने वेब रखा है नाम, आप लोग कोई भी नाम रख देना, सही है, आपकी मर्जी है, आप वेब ब्राउजर रख देना भले। अच्छा देखें भैया आपके सामने है एक सिंपल सी ऐप जो अभी एम्प्टी है, तो हम इसके अंदर अभी फीचर्स डालते हैं थोड़े थोड़े करके। तो सबसे पहले देखें ये आपकी स्क्रीन वन है, हम यहाँ पे ऐड स्क्रीन करते हैं, और ऐड स्क्रीन करने के बाद देखें यहाँ पे मैंने ऐड स्क्रीन पे क्लिक किया, ये हो क्यों नहीं रही, रिफ्रेश करते हैं एक सेकंड।
अच्छा भैया, अब हम ऐड स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन का नाम स्क्रीन टू दिया हुआ है इन्होंने, हम यहाँ पे डाल देते हैं वेब। अच्छा स्क्रीन नाम आपको बिल्कुल मेरे जैसे ही देना है, एप्लीकेशन का नाम आप भले कुछ भी रख देना, ठीक है, नेम आपको मेरी तरह ही देना है वेब। देखो भाई मैंने यहाँ पे ऐड स्क्रीन किया तो एक और स्क्रीन ऐड हो गई। तो अब देखो यहाँ पे दो स्क्रीन है, एक है स्क्रीन वन जो कि स्टार्ट की स्क्रीन है, और एक है स्क्रीन टू जो कि वेब की स्क्रीन है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम एक बटन डालेंगे। सबसे पहले अलाइनमेंट डालते हैं, एम्प्टी स्क्रीन है भाई, सही है, एम्प्टी स्क्रीन है, इसमें अलाइनमेंट डाली, बटन डाला, और यहाँ पे एक और बटन डाल देते हैं, सही है। इस बटन का नाम डाल देते हैं मूव टू स्क्रीन टू। अच्छा ये नाम मैं अभी ऐसा रख रहा हूँ कि आपको समझ आए, आपको ऐसा नाम नहीं रखना, आप ऐसे रखोगे इसका नाम रख दोगे स्टार्ट ब्राउजिंग, सही है। ये मैं आपको समझाने के लिए इसका नाम रख रहा हूँ मूव टू स्क्रीन टू, ताकि इससे आपको लगे कि हाँ भाई ये स्क्रीन टू जाने का रास्ता है, ये वो बटन है जो स्क्रीन टू ले जाएगा। इसका नाम भी यही रख देते हैं स्क्रीन टू बटन, मतलब इससे आप स्क्रीन टू में जाओगे। अच्छा मैं कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं कर रहा, सही है, ना मैं इसका कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा, ना मैं स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा, ना मैं इसको सेंटर में लाऊंगा। डिजाइनिंग वगैरह मैंने आपको बहुत लग के सिखाई है शुरू के दो तीन क्लास में, डिजाइनिंग सब आप करोगे इस ऐप पे। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं इसकी वर्किंग कंडीशन बताऊंगा, बाकी आपका काम है आप ऐप को कितना खूबसूरत बनाते हो। चलो भाई अब मैं इस पे, अब देखो ये इसका ब्लॉक तो तैयार है, लेकिन इसकी कुछ प्रोग्रामिंग भी होगी जो इसको स्क्रीन टू तक ले जाएगी, तो वो बहुत आसान है भाई। बैन और डू बैन दिस क्लिक, सही है, तो आपको आना है कंट्रोल्स पे, कंट्रोल्स पे आपको ढूंढना है ओपन अनदर स्क्रीन। ये देखो ये बहुत सिंपल है, ओपन अनदर स्क्रीन, सिंपल सी बात है, मुझे जाना कहाँ है सेकेंड स्क्रीन पे जो मेरी वेब है। तो देखो वेब की स्क्रीन जब मैं खोलूंगा तो इधर देखो यहाँ पे कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं हुई हुई, ये देखो वेब का वो भी खाली है सब, ये बड़ा देख के करना हो। स्क्रीन वन पे रखोगे इधर तो स्क्रीन वन का ही काम आएगा और स्क्रीन वन के ही ब्लॉक्स आएंगे, और जब इसको मैं स्क्रीन वन को वेब पे कर दूंगा तो देखो स्क्रीन टू के ब्लॉक आएंगे और स्क्रीन टू का ही डिजाइन आएगा। अच्छा मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, जी बोले। हेलो सर, सर मेरा लैपटॉप बंद हो गया, मैं अभी नहीं कर सकता, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। सही है, रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई मसला नहीं है। ओके ओके सर, बहुत इजी है, रिकॉर्डिंग से भी समझ आ जाएगा ये ना, और मैं इसकी एक 5 मिनट की वीडियो भी बना दूंगा अपनी ऐप की, तो मैं 5 मिनट की वीडियो बना के डालता रहूंगा, सही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट को समझ लो थोड़ा। जी भाई कौन सवाल कर रहा है अभी? नहीं नहीं ये ऐसे नहीं करना है, तो फिर ब्राउजिंग का बता रहा हूँ ना, अगर ये तरीका आप गेम के स्टार्ट में कर सकते हो कि स्टार्ट स्क्रीन दे दी और फिर वहां पे जब स्टार्ट क्लिक किया तो आपका गेम ऑन हो गया, समझ आ रही है बात? तो अभी आप पहले ये चीज समझ लो, फिर आप डालना ना वहां पे, अभी ये पूरा समझ लो ये चीज जो मैं करा रहा हूँ। तो देखो भाई स्क्रीन वन है और स्क्रीन टू है, स्क्रीन वन पे बटन ऐड है अभी, सही है, स्क्रीन वन पे बटन ऐड है, स्क्रीन टू पे कुछ भी नहीं है, ना इसके डिजाइनिंग पे कुछ है ना ब्लॉक पे कुछ है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब देखो स्क्रीन वन पे जो ये देखो यहाँ पे जो स्क्रीन वन है उस पे मैंने एक बटन लगाया जिसका नाम रख दिया मूव टू स्क्रीन टू, और इसके ब्लॉक में क्या किया हुआ है व्हेन स्क्रीन टू बटन क्लिक, तो कंट्रोल में गया और यहाँ पे मैंने ढूंढा ओपन अनदर स्क्रीन। अच्छा ये ओपन अनदर स्क्रीन आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे ओपन अनदर स्क्रीन नेम देना है आपको, तो नेम के लिए टेक्स्ट में जाओगे और टेक्स्ट का एम्प्टी ब्लॉक ले लोगे, और देखो यहाँ पे नेम देते हुए आपको स्पेस वगैरह कुछ नहीं देनी है, जो स्क्रीन टू का आपका नेम होगा ना वो देना है आपको, समझ आ रही है कहानी? स्क्रीन टू का जो नेम है यहाँ पे क्या है वेब है, तो यहाँ पे वेब कर देंगे। बिलफर्स आपकी एप्लीकेशन में एक स्क्रीन थ्री भी है तो बिल्कुल यही वाला वेन और टू का काम करोगे और उसका नाम स्क्रीन थ्री वाला दे दोगे, यहाँ पे तो सिर्फ दो ही स्क्रीन है ना स्क्रीन वन और वेब, तो यहाँ पे वेब दे दिया, तो ये आपका इस तरह से हो गया। अच्छा अब मेरे कहा है भाई क्या बोल रहे हैं,
अच्छा अब आप लोग, ये हो गया आपका, देखो अब ये हमारा आ गया स्क्रीन वन, और स्क्रीन वन पे देखो ये हमारा सिंपल सा डिजाइन है कि मूव टू स्क्रीन टू। इससे क्या है कि भाई आप स्क्रीन टू पे चले जाओगे। अब स्क्रीन टू खोलते हैं, जो हमारा मेन टास्क है वेब का, जो अभी तक एम्प्टी है। मतलब मैं यहाँ पे पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन ये क्या है, एम्प्टी ऐप है, सही है, इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा भाई ये मैसेज कौन कर रहा है, इसको भी बंद कर दो ना, मेरे साहब तो चले नहीं गई थी। भाई अभी आप I am always here, Mahat. अब आप लोग खामोशी से देखो भाई। अच्छा ये हमारा ऐसे कुछ नजर आ रहा होगा आपको ना। अच्छा अब एक सेकंड आपको दिखा भी दूं कि ये किस तरह नजर आ रहा होगा। मैं मोबाइल की स्क्रीन भी आपको दिखाते रहता हूँ ना साथ साथ, ताकि आपको थोड़ा समझ भी आएगा हो क्या है। एक सेकंड, थोड़ा कनेक्शन में मसला हो रहा है, अभी हो जाएगा। अच्छा रीज मेरी आवाज देखते रहना, लैग वगैरह तो नहीं हो रही कुछ? नहीं बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड ये जरा कनेक्ट हो जाए ना, हो जाओ भाई, क्या हो गया आज, देखो तो बाहर से करते हैं। हाँ हो गया भाई। अच्छा जी अमल का क्वेश्चन लो जरा, ये देखो भाई ये मेरी स्क्रीन स्टार्ट हो गई है। असल में मैं ऐप भी रन टाइम में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह वर्क कर रही होगी ना। तो पहले AI कंपेनियन अपने पास इसको कर लूँ, MIT कनेक्ट विद कोड। अच्छा अभी आप देखना के किस तरह से ये आपको नजर आएगी। देखो भाई ये, अच्छा ये शुरू ही स्क्रीन टू से हुई है, असल में मैंने स्कैन किया हुआ इधर से, अब ये आ गया स्क्रीन वन पे, सही है। हम एक काम करते हैं, स्क्रीन टू पे कलर दे देते हैं बैकग्राउंड, ताकि हमें डिफरेंस नजर आए। ब्लैक अभी ऐसे ही ब्लैक दे दिया, और यहाँ पे स्क्रीन वन कर देते हैं। तो देखो अभी ये स्क्रीन वन है, और इस पर अगर मैं मूव टू स्क्रीन टू करता हूँ, एक मिनट, कंटिन्यू विद बोथ सेशन, मेक दिस सेशन, एक सेकंड यार ये रिफ्रेश हो रहा है, रुको। AI कंपेनियन वेब अच्छा ये हमारी खुल गई है, अब हम इसको दोबारा से कनेक्ट करते हैं। सबर ताहा सबर, अभी तो मैं समझा ही रहा हूं ना।
अच्छा अब देखो भाई हुआ क्या है कि इधर बिल्कुल वही वाला काम हुआ है जो हम अभी करना चाह रहे थे। जैसे कि अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे दूं, चेंज कर दूं इसको ग्रीन। तो इधर देखो भाई हम अगर दोबारा से खोलें अपनी MIT ऐप इन्वेंटर और इसको वो करें, तो अब हो क्या रहा है कि मैंने जैसे इस पे क्लिक किया ना बटन पे, तो ये मेरी स्क्रीन 2 पे शिफ्ट हो गया। क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग ब्लॉक में भी देखा जाए तो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने अपने बटन का वो लिया व्हेन और डू और फिर कंट्रोल में गया और कंट्रोल में ये कर दिया कहाँ पे ओपन अनदर स्क्रीन, और स्क्रीन का नाम वही देना है जो आपने रखा होगा सेकंड स्क्रीन का। तो मेरी स्क्रीन का नाम वेब था तो इधर भी वेब आ गया। अच्छा भाई तो ये वेब आपका कुछ इस तरह से आ रहा होगा सिंपल सा, मतलब जब मैं अभी या आपको होमवर्क ही दूंगा मैं बहरहाल, क्योंकि ये तो सिंपल सा ही काम है वैन और डू का आपको लगाना है, और ये मैं खैर अपनी वीडियो में भी अभी बता दूंगा तफसील से थोड़ा। अभी आप जल्दी से अब आपको क्या करना है ब्राउजर बनाना है, तो मैं ब्राउजर समझा दूं जरा। तो एक पहले आप हॉरिजॉन्टल लेआउट ले लोगे, ब्राउजर में सबसे पहले बटन होता है बैक बटन, फिर होता है फॉरवर्ड बटन, फिर होता है गो बटन, सही है। अच्छा गो देख लो, अभी मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, एक होता है बैक बटन, एक होता है फॉरवर्ड बटन, एक होता है गो बटन। ब्राउजर में यही होता है ना, जब भी आप कोई चीज सर्च कर रहे होते हो तो बैक आते हो, फॉरवर्ड आते हो, गो, और लिंक पे जब क्लिक, लिंक पे जब कुछ भी डालते हो www.google.com तो गो पे क्लिक करते हो। तो हम लिखने के लिए जब हमें कुछ भी चीज लिखनी होगी ना URL वगैरह, हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं इधर, ये आ गया पर टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा ये कुछ इस तरह नजर आ रहा होगा बेकार सा। तो देखो हम सबसे पहले जो टेक्स्ट फॉर बटन 2 है ना, इसको सिंबल दे देते हैं बैक का। तो बैक का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये वाला लेस देन का साइन। हेलो हेलो आवाज आ रही है? हाँ आ गई। स्क्रीन शेयर कर दूँ? स्क्रीन बंद हो गई भाई, वॉइस आई थिंक कोई इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया है। आ गए म्यूट। अच्छा देखें वो मेरा इंटरनेट थोड़ा सा इशू हो गया था। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तक ये मैंने सिंबल दिए थे बैक बटन को, फॉरवर्ड को, होम को और गो को, चार बटन यूज किए और एक टैग। अच्छा देखो बैक बटन जो है वो ये वाला बैक दे दिया, फॉरवर्ड का नाम भी फॉरवर्ड दे देते हैं। अभी भी सही नहीं आ रही है, लोग बीच में बहुत कट रही है। हाँ अब मेरी आवाज सही आएगी आप लोगों को? हेलो 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 आवाज आ रही है? हेलो हाँ सही आ रही है। अच्छा भाई अब जल्दी से कवर करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे सिंपली चार बटन लगाए, एक बैक का, एक फॉरवर्ड का और एक होम का और एक गो का, और ये सिंपल मैंने सिंपली यहाँ पे बस इसके नाम में दे दिए। अच्छा फिर मैं रीनेम कर देता हूँ फॉरवर्ड बैक, और ये जो मेरा ये एच का बटन है इसका नाम होम है तो होम कर देते हैं ताकि प्रोग्रामिंग में आसानी हो। गो के बटन को गो कर देते हैं और टेक्स्ट बॉक्स तो टेक्स्ट बॉक्स ही रहने देते हैं। सिंपल आपका व्यू। मैं फिर से बता रहा हूँ मैं कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं कराऊंगा, आप लोगों को डिजाइनिंग बहुत अच्छी आती है, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इसकी बैक प्रोग्रामिंग कराऊंगा।
वो आपके ऊपर है कि आप इसको कितना खूबसूरत बनाते हो इस ऐप को। अच्छा देखो, जब भी आपको ब्राउजर बनाना पड़ेगा ना, ब्राउजर मतलब आपको ब्राउजिंग करनी है, गूगल क्रोम बनाना है, फायरफॉक्स बनाना है मोबाइल ऐप का, और पर्सनल ब्राउजर बनाना है जिसका एडमिन कोई गूगल वाला नहीं हो, आप खुद हो, तो आप हमेशा इस तरह से काम करोगे और सेंटर पे इतनी स्पेस तो आपको लाजमी देनी है। देखिए मैंने बिल्कुल ऊपर रखा है ये हॉरिजॉन्टल लेआउट, क्योंकि ऊपर ही होता है ब्राउजर में ये सब चीजें ना। अच्छा फिर आपको ये जो ये है ना वेब व्यूअर, वेब व्यूअर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यूजर इंटरफेस में लास्ट वाला। देखो यूजर इंटरफेस में लास्ट वाला वेब व्यूअर, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इधर। जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये आपका फ्रंट एंड हो गया है कम्प्लीट, सही है, मतलब फ्रंट एंड आपका यहाँ पे कम्प्लीट हो गया है, क्योंकि आपने स्क्रीन वन पे एक स्टार्ट का बटन भी दे दिया है, मूव टू स्क्रीन टू, इसको आप स्टार्ट ब्राउजिंग भी दे सकते हो, और स्क्रीन टू पे आपका ये पूरा फ्रंट एंड का मतलब ये है कि डिजाइन पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, सही है। अच्छा अब रहा सवाल इसकी प्रोग्रामिंग का, तो इसकी प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, मतलब इतनी ईजी है कि तो हम जल्दी से इसको कर लेते हैं कवर। अच्छा इसकी प्रोग्रामिंग के लिए पहले तो मुझे अरी चेक कंफर्म करो कि आवाज एकदम सही आ रही है इन लोगों को। हाँ आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। सही है। देखो प्रोग्रामिंग का बहुत सिंपल सा है, आप सबसे पहले बटन में से बैक का बटन ले लो, फॉरवर्ड का भी ले लो, और होम का भी ले लो, और गो का भी ले लो, मैंने एक साथ ले लिया। अब आप थोड़ा प्रोग्रामिंग को पास वे में करना सीखो, समझ आ रही है बात? आपको पता है कि आपको बटन यूज करने ही करने हैं, तो आप पहले से ही ले लो। अच्छा पहले तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, रुको ना एक मिनट, जरा क्वेश्चन पूछ लो सब जरा मुझे। देखो मैं इसकी जो है ना वीडियो भी दूंगा 5 मिनट्स की, मैं अभी इसलिए करा रहा हूँ कि जो है आपको अभी आसानी से समझ आ जाए। अभी मैं इसकी क्लास के फौरन बाद एक 5 मिनट की क्लिप दूंगा इसके लिए ना। वैसे अगर आपको भी कोई अर्जेंटली सवाल है तो पूछ लो सर। ये डिजाइनर में आप क्या कहते हैं नेक्स्ट पेज के बजाय क्या थोड़ा स्क्रॉल राइट या स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभार कुछ चीजें ना थोड़ा आप चाहते हैं उसी जगह पे रहे मगर वो आपको पूरे स्क्रीन पे कह रहे हो, इस स्क्रीन पे? हाँ जैसे इस स्क्रीन पे मैं अपने बहुत सारी चीजें ऐड की हुई है और कुछ चीजें ना। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखो उसके लिए कुछ भी नहीं करना होगा हमें। अच्छा ये मुझे जो है ना आप याद दिलाना, मैं स्क्रॉल का ऐड करवाऊंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, सही है? स्क्रॉल बार ऐड करवा देंगे कि आपको अगर मल्टीपल चीजें चाहिए हो तो किस तरह होंगी। अच्छा चैट में कौन पूछ रहा है, कैन आई लीव? 5 मिनट में अभी तो हो सकता था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो है अब परेशान हो रहे हैं, अब जाने का हो रहा है उनका, तो हम एक काम करते हैं कि अभी क्लास को यहीं पे रखते हैं, और जितना मैंने अभी यहाँ तक कराया है ना, देखो जितना मैंने अभी यहाँ तक कराया है मैं सिर्फ इसकी वीडियो अभी बना के दूंगा बस, जितना यहाँ तक कराया है, तो आप लोग